On beginning its Saral journey, Tinplate Khalsa Middle School focused on improving health, hygiene and safety. A snapshot of this journey and its impact on the school is presented before you. हमारा विद्यालय कक्षा केजी से आठवीं तक के छात्र छात्राओं के लिए है। भारत सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत हमारे विद्यालय में भी मध्याह्न भोजन इस्कॉन द्वारा दिया जाता है। परंतु खाने के वितरण में स्वच्छता नहीं थी। मिड डे मील के बावजूद भी विद्यालय में अटेंडेंस 100% नहीं होता था। अतः स्टूडेंट काउंसिल को मिड डे मील वितरण में स्वच्छता और सफाई रखने का कार्यभार सौंपा गया। मध्याह्न भोजन के समय बाल संसद के सभी सदस्य बच्चों को कतारें बनाकर लाइन से ले जाते हैं, हाथ धुलवाते हैं, फिर बच्चे प्लेट लेते हैं, फिर वो जाके लाइन से बैठते हैं, खाना खाते हैं। पर्यावरण मंत्री है, वो ध्यान में रखता है कि कहीं कोई बच्चा जूठा तो नहीं फेंक रहा है। और ये सभी कार्य बाल संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस प्रयास को टीप के पंख प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिला। बच्चों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालय में एक आईना लगाया गया है, जिसमें प्रार्थना सभा के पश्चात कक्षा में जाने के क्रम में बच्चे अपने आप को आईने में देखते हैं और सबसे साफ दिखने वाले बच्चे को आज का गुलाब का खिताब दिया जाता है। आज का गुलाब का मतलब होता है कि जो बच्चा सबसे साफ आया है और जो बच्चा सबसे गंदा आता है उसको देख के लगता है कि काश हम भी साफ आए, हमारा भी नाम आए, हमें भी गुलाब मिले। एक दूसरे से बेहतर दिखने की होड़ में साफ होकर विद्यालय आते हैं और इससे बच्चों की उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है।